मेरे पास दो बच्चे हैं, बच्चे को देखते हुए सारा हालात को देखते हुए मैंने SI का बहुत कठिन परिश्रम से SI के पास किया है। इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा हस्बैंड का था और मैं प्रथम दरोगा में मायके से हूँ और ससुराल से भी, और मैं बहुत परिश्रम से इस दरोगा के हासिल किया हूँ। मेरा पिताजी किसान हैं और वो किसानी करके हम लोग को पढ़ाते थे। नहीं, मेरे लिए SI का फिजिकल कोई भी टफ नहीं था क्योंकि मैंने दो बार बिहार पुलिस में क्वालिफाइड कर चुका हूँ। मेरे प्रिया जी दर्शकों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं KBS स्टूडियो का यह खास प्रोग्राम। और इस खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसे छात्राएं हैं जो कि SI की परीक्षा को कम्प्लीट किए हैं, वो भी पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते हुए उन्होंने SI की परीक्षा को कम्प्लीट किए हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं क्योंकि पूरी संघर्ष से सफलता तक की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैम बहुत बहुत स्वागत है खास प्रोग्राम में। जी सर, मेरा नाम कुमारी किरण हुआ, ग्राम पोस्ट लोहागिर, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर, और मैं बहुत परिश्रम से इस दरोगा के हासिल किया हूँ। मैम हम जानना चाहेंगे जो आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, जहाँ से आप बचपन से पले बढ़े, उसके बारे में कुछ बताइएगा। मेरा प्रारंभिक शिक्षा ग्राम मुड़िया स्थान पोस्ट मोहम्मदपुर सकरा और थाना विभूतिपुर जिला समस्तीपुर, ये मेरे मायके से हुआ था 1 से लेके और प्लस 2 तक। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा ससुराल से ही फाइनल था। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जो आप बचपन का आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा था, बचपन में आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था, कैसे परिवार से आप बिलोंग करते थे, इसके बारे में। मेरा पिताजी किसान हैं और वो किसानी करके हम लोग को पढ़ाते थे। आपके शादी विवाह हो जाने के बाद आपके पारिवारिक बैकग्राउंड पारिवारिक बोझ होने के बाद आपने SI की परीक्षा को कम्प्लीट किया, कितना परिश्रम करना पड़ा इसके लिए? बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा। मैं अपना परिवार को देखते हुए फिर भी मैंने वो बी एड नहीं कर पाए क्योंकि पारिवारिक कुछ था लो, इसलिए हमने इस लाइन में आ गए दरोगा की लाइन में। मैंने एक बार सफल नहीं हुआ, फिर मैंने संघर्ष किया, इस बार नहीं हुआ, अगला बार जरूर हम दरोगा बन के ही दिखाएंगे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे जो आपके मायके में या फिर आप ससुराल में रह के तैयारी कर रहे थे तो दोनों पक्ष के लोग कितना आपको सपोर्ट किए, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं मायके या ससुराल में नहीं रहती, मैं समस्तीपुर में रहती हूँ और मेरे मायके और ससुराल का लोग बहुत सपोर्ट किया और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा हस्बैंड का था। एक चीज़ और हमें बताइएगा जो आपने पढ़ाई SI की जो परीक्षा कम्प्लीट की है, इसकी पढ़ाई कहाँ से शुरू किए थे, किन किन बुकों का सहारा लिया था, किन किन कोचिंग संस्थानों का सहारा लिया था, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं SI का तैयारी किया था, उसमें दृष्टि था, लुसेंट और सेट एक पड्डे रोज़ सेट एक बनाती थी, वही सेट को रिवाइज करता था। और मेरा क्लास SMC क्लब समस्तीपुर में है, वही क्लब जाते थे और BPSC का एक बुक था, वो बुक से भी थोड़ा पढ़ते थे। आप मिडिल स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर कॉलेज लाइफ आपका कैसा रहा, इसके बारे में कुछ बताइएगा। मैं प्राइमरी स्कूल से 1-2 से लेकर 10वीं तक पास किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन समस्तीपुर से पास किए हैं। तो आपके हस्बैंड का किस रूप में सहयोग मिल पाया, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आपके छोटे बच्चे भी थे, इनको भी लेके और SI की परीक्षा को कम्प्लीट करना कितना टफ रहा होगा? वो ये तो मेरे साथ रहते नहीं हैं, ये प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करते हैं, फिर ये मेरे साथ रहते, फिर मैं नहीं ये कर पाता। मेरे पास दो बच्चे हैं, बच्चे को देखते हुए सारा हालात को देखते हुए मैंने SI का बहुत कठिन परिश्रम से SI के पास किया है। जैसा कि बताया जाता है कि SI की परीक्षा हो या फिर उसका फिजिकल हो, वो काफ़ी टफ होते हैं, तो इस पर आपका क्या राय है? नहीं, मेरे लिए SI का फिजिकल कोई भी टफ नहीं था क्योंकि मैंने दो बार बिहार पुलिस में क्वालिफाई कर चुका हूँ। इसे पिछले बार 2021 में मेरा मेरिट नहीं बना था बिहार पुलिस में, और अभी फिर 2022 में बिहार पुलिस का था, उसमें भी मैं क्वालिफाई करके आ चुकी हूँ, उसका मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं दिया है, इसीलिए मेरे लिए SI का फिजिकल टफ नहीं था। हाँ, आने वाले समय में आप क्या करना चाहेंगे, अपने आप को SI की जॉब को अचीव करना चाहेंगे या फिर आगे की कुछ प्रिपरेशन की तैयारी में लगेगा? नहीं, तब तक मैं इस पद पे रहेंगे और मेरा कोशिश है इसे आगे बढ़ें BPSC के लिए। जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे वो भी मेरी तरफ मेहनत करें, एक बार हार जाने से नहीं हार माने, हार के आगे ही जीत है, और बार बार सफल होने के बाद एक बार सफल होता ही है। और मेरे में इतना जुनून था कि मैं दरोगा बनूंगा, इसलिए मैं अभी दरोगा हासिल इस पद पे आया हूँ।
जो छात्राएं डरते हैं इस सर्विस में जाने के लिए, एसआई हो या दरोगा हो, तो देखा जाता है कि अमूमन लड़की इस चीज़ से डरते हैं, उनके घर से फ्रीडम नहीं मिलता, उनके घर से जाने के लिए नहीं दिया जाता है, उनके लिए क्या संदेश रहे, उनके लिए आपका क्या कहना होगा? उनके माता पिता से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को जाने दें पढ़ने के लिए, और अच्छा अच्छा कोचिंग जहाँ उनको सुविधा अच्छा हो वहाँ जाने दें पढ़ने के लिए, यही कहेंगे। ये तमाम चीज़ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किन से आप इंस्पायर हुए, कौन आपको इसके लिए मोटिवेट किए, किन से आपको प्रेरणा मिली? ये मैं खुद जब मैं बीएड का सोचे बीएड करूँगा तो मेरे घर का लोग नहीं सक्षम हुए, इसके बाद मैं खुद इस डिफेंस लाइन में जाने के लिए खुद मैं सोच लिया था। क्या इस जॉब से आपके परिवार के लोग, आपके ससुराल के लोग या मायके पक्ष के लोग सारे खुश हैं, या फिर वो चाहते हैं कि कुछ बड़े पदाधिकारी बने? मेरे ससुराल और मायके का लोग बहुत खुश हैं। मेरे ससुराल में लोहागिर पंचायत में और मायके मुड़िया स्थान जो सकरा पंचायत है उसमें एक भी लड़की दरोगा नहीं था, और मैं प्रथम दरोगा मैं मायके से हूँ और ससुराल से भी। प्रिय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, ये बचपन में कहाँ से पले बढ़े, इनका कैसा संघर्ष रहा, और फिर दो दो छोटे छोटे बच्चे को लेके और ये तैयारी किया और आज जाके एसआई की पद को अचीव कर पाए। तो मेरे साथ इनके हस्बैंड भी हैं, तो आइए उनसे भी मिलते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस जॉब को लेकर। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मेरा घर ग्राम पोस्ट लोहागिर जिला समस्तीपुर। सर हम जानना चाहेंगे जो आपके वाइफ जो ये जॉब को अचीव किए हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुश नज़र हम आ रहे हैं, मेरे पूरे परिवार के फैमिली लोग बहुत खुश हैं। सर हम ये जानना चाहेंगे जो आप किस तरह से इनको तैयारी करने में अपनी मदद दिए और किस रूप में आप मददगार साबित हुए, इसके बारे में। हम अपने इनको तैयारी करने के लिए हम प्राइवेट कंपनी पुणे में UNO मिंडा कंपनी में जॉब कर रहे थे, और मैं इनको पढ़ाई करने के लिए मैं छोड़ चुका था, और एक लड़का को मैं अपने घर पे रखा और एक लड़का को मैं इनको साथ में छोड़ के रखा था, और मैं अपने पुणे में जॉब कर रहा था। सर एक सवाल हमारे मन में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं गांव समाज के लोग जब ये दौड़ने के लिए, फिजिकल करने के लिए या पढ़ने के लिए बाहर रहते होंगे, समस्तीपुर में रह के इन्होंने पढ़ा था, तो गांव समाज के लोग विभिन्न विभिन्न तरह को बात बोलते होंगे, तो उस समय आप कैसे इस चीज़ को सुन रहे थे, कैसा लग रहा था उसके बारे में बताइए? नहीं, उस समय सब अपना मजा कर रहा था, मैं किसी से कोई अथी नहीं था, हम खुश नज़र आ रहे थे, जो भी बोल रहा था वो खुश हम थे, वो कोई भी दिक्कत हमको नहीं होता था। ऐसा तो लोग आपके गांव समाज में बोलते ज़रूर होंगे। जी बोलते तो थे, लेकिन जॉब जब अचीव हो गया तो आपके परिवार वाले, आपके गांव वाले ये सारे चीज़ को भूल गए होंगे। हाँ जी, वो तो सारे चीज़ को भूल के एकदम खुशी का माहौल पूरे लोहागिर और मैसारी पंचायत में खुश हो गए पूरे लोग, जो इनको मेरे पिता को सिंहेश्वर सिंह जी को पुत्र वधु को एसआई के रूप में प्रदान हुआ। बिल्कुल निश्चित रूप से। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और जिनके और भी वाइफ होंगे जिनके परिवार से फ्रीडम नहीं मिलता, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं, जो वो भी अपना परिश्रम मेहनत से अपना पढ़े और अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, सुन रहे थे पूरी कहानी इनकी, कितनी संघर्षमय कहानी रहा था और कितने संघर्ष के बाद आज इन्होंने इस जॉब को अचीव किया है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग बने रहिए केवी स्टूडियो के खास प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ, कैमरामैन विकास कुमार के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग डॉक्टर रोशन सर के फेसबुक पेज को विजिट कीजिए और स्टार्स ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल को आप लोग विजिट कीजिए, और देखते रहिए केवी स्टूडियो का यह खास प्रोग्राम। तब तक के लिए मैं इस खास एपिसोड से विदा लेता हूँ। थैंक यू।